चलिए जी, विषय गंभीर है और विषय गंभीर इसलिए है क्योंकि हजारों सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी होने वाली है और ये छुट्टी क्यों होने वाली है इस खबर में आप सभी को ये बताने जा रहे हैं। एनसी पीडीपी और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जो सरकारी मुलाजमीन बैकडोर इंटरव्यू से जम्मू कश्मीर की प्रशासन में आए हुए हैं या फिर वो लोग जिन्होंने रिश्वत दे के नौकरियां जो है वो हासिल की है, अब एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी जम्मू कश्मीर की प्रशासन की तरफ से, एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को ये काम सौंपा गया था कि आपने हर मुलाजमीन की, जितने भी मुलाजमीन है चाहे वो किसी भी विभाग में इस वक्त काम कर रहे हैं, उनका जो है वो डाटा ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करना है, यानी कि आप कब लगे हैं, आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट और कितना साल आपको हुआ जम्मू कश्मीर की हुकूमत में, जम्मू कश्मीर की प्रशासन में काम करते। और उसके बाद आप सभी को याद होगा कि हमारे जो साबका चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था और स्टेटमेंट में उन्होंने यह बताया था, उन्होंने एक रकम जो है वो गिनी थी और उस रकम में उन्होंने बताया था कि लगभग 1,75,000 ऐसे सरकारी मुलाजिम इस वक्त जम्मू कश्मीर की प्रशासन में काम कर रहे हैं जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से, जो बैकडोर इंटरव्यू से जम्मू कश्मीर की प्रशासन में आए हैं। और अब जो कमेटी तैयार की गई है, जो डाटा तैयार किया गया है, जो खाका तैयार किया गया है, उस खाके को आने वाले कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर की प्रशासन जो है वो सामने रखने जा रही है। आपको बता दूं कि 1985-86 में एक शख्स जो है वो फोर्थ क्लास ज्वाइन हुआ, यानी कि फोर्थ क्लास की नौकरी उन्होंने ली और उसके बाद आज वही फोर्थ क्लास मुलाजिम जो है वो लेक्चरर की पोस्ट पे बैठा हुआ है। और जो हमारे सोर्स है, सोर्स के मुताबिक ये पता चला है कि एजुकेशन विभाग और हेल्थ विभाग में जो है वो ज्यादा बैकडोर इंट्रियां हुई है। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जो है वो एनओ अपनी नौकरी लेता है, यानी कि एक शख्स जो है वो एनओ ज्वाइन होता है, आज वही एनओ जो है वो एक बड़ी डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है और यहां तक कि वो मरीजों को भी चेकअप करता है। ये सारा कुछ जो है वो इस कमेटी ने सामने लाया है, इस जो ये डाटा फ्रेम हुआ है इस फ्रेम में आया हुआ है। अब सिर्फ इंतजार इस चीज का है कि आने वाले वक्त में जो डाटा जो कमेटी ने फ्रेम किया है वो डाटा जो है वो किस तरह का होगा और इस डाटा में किन किन लोगों का नाम जो है वो सामने आएगा। मगर सबसे बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हजारों मुलाजमीन की जो है वो छुट्टी होने वाली है और छुट्टी कुछ ही वक्त के बाद जो है वो होने वाली है। या तो अपना कोई रिश्तेदार जो है वो बड़ी कुर्सी पे, सियासत की बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ था, या फिर रिश्वत देके, यानी कि पैसा देके जो है वो जम्मू कश्मीर की प्रशासन में आए और आज जम्मू कश्मीर की प्रशासन में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जो है वो बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने साफ साफ ये कहा था कि 1,75,000 ऐसे सरकारी मुलाजिम है जो बैकडोर इंटरव्यू से आए हैं या फिर रिश्वत दे के या फिर सियासतदान की मदद से जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बैठे थे। उसके बाद जो है वो हड़कंप भी जो है वो शुरू हो गया। अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि आने वाले वक्त में किन किन मुलाजमों की जो है वो छुट्टी होगी और किन किन मुलाजमों को जो है वो इस जुमरे में पकड़ा जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि इनका, इनने जितनी भी तनख्वाहें जो है वो पकड़ी हुई है, उन तनख्वाहों को जो है वो रिकवर किया जाएगा और इन मुलाजमीन के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा जुर्माना भी जो है वो आयद हो सकता है।